हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस नए ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा एक पहला चैनल है जिसका नाम है इंडियन होममेड रेसिपीज़ विद नीना, जिसमें आपको देखने को मिलती हैं रेसिपीज़, अनबॉक्सिंग, रिव्यू और हैक्स की वीडियोस। अगर मैं ब्लॉगिंग भी उसी में ही शेयर करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा हौशपौश हो जा रहा था, तो इसीलिए मैंने ये नया चैनल खोला है जिसका नाम है इंडियन ब्लॉगर नीना, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे मेरे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के रूटीन, क्लीनिंग रूटीन्स, ट्रैवलिंग, शॉपिंग के ब्लॉग्स और साथ में फेस्टिवल, इंडियन वेडिंग्स, इस तरह के। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, जिस तरीके से आपने मेरे पहले चैनल को प्यार और सपोर्ट दिया है, उतना ही प्यार और सपोर्ट आप मेरे इस नए चैनल को भी देंगे। इसी उम्मीद से मैंने ये चैनल खोला है। तो चलिए चलते हैं। आज मैं जा रही हूँ लखनऊ, जो कि बहुत ही फेमस सिटी है, नवाबों का शहर है। तो चलिए चलते हैं। लखनऊ में आज हम घूमेंगे बड़ा इमामबाड़ा में, भूल भुलैया। वैसे तो मैंने और भी आसपास के एरिया काफ़ी क्लिप्स इकट्ठी की हैं, वो मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूंगी। फ़िलहाल मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूं बड़ा इमामबाड़ा में, भूल भुलैया। चलिए चलिए, सब मेरे साथ चलिए, देखते हैं बड़ा इमामबाड़ा में, भूल भुलैया। पर उससे पहले मैं आपको एक टिप दे देती हूँ। टिप ये है कि फ्रेंड्स, आप अगर लखनऊ जा रहे हैं तो वो एक गर्म सिटी है, तो आप कभी भी अगर प्लान बनाएं तो सर्दियों में ही प्लान बनाएं। अगर आप गर्मियों में जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और आप परेशान होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई अर्जेंट काम हो, आप लखनऊ जा रहे हो तो आप जाइए, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे कि आप ठंडे पानी की बोतल, जूस की बोतल या फिर छतरी, ये सब चीज़ें आप ज़रूर रखें, सनग्लासेस रख लें, सनस्क्रीन लोशन रख लें और फिर फ्री माइंडेड होकर के आप घूम सकते हैं। तो चलिए, अभी हम लखनऊ जा रहे हैं। यहाँ पर हमने जो रूट पकड़ा है वो पकड़ा है हमने लखनऊ एक्सप्रेसवे का। मैं बाय कार जा रही हूँ नोएडा से लखनऊ। तो आप अगर दिल्ली NCR से कहीं भी हैं तो आप डायरेक्टली जो रूट पकड़ेंगे वो है लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा लंबा एक्सप्रेसवे है। 317 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है ये, पर ये है कि आप सीधे से आसानी से लखनऊ पहुंच जाते हैं। और तो चलिए फटाफट से चलते हैं लखनऊ और मिलते हैं लखनऊ पहुंचने के बाद। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में और ये आप देख सकते हैं उसका मेन गेट है। और इसका जो गेट है ना, बहुत ही अमेजिंग है। जैसे आपने लखनवी कुर्ते देखे होंगे, उसके जो गले हैं वो इसी तरीके से बने होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही चीज़ें अमेजिंग है, एक दूसरे से मेल खाती हैं। तो चलिए चलते हैं। अब हम टिकट लेते हैं। टिकट जो है पर पर्सन 50 रुपीज़ की है, कैमरे का 25 रुपीज़ है और गाइड जो है 4 पर्सन का 125 रुपीज़ लेता है। और यहाँ पर जो गाइड होगा वो आपको सारी जानकारी देगा। तो चलिए हम गाइड के थ्रू यहाँ पर सारी जानकारी लेते हैं, क्या क्या इसके अंदर अमेजिंग चीज़ें हैं, कैसे कैसे बना है, ये सारी जानकारी आपको इस गाइड के थ्रू मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला वाला शेप दिया है चाइनीज पीरियड का। देखिए बिल्डिंग का सेकंड हॉल दूसरा हॉल है। देखिए इसका नाम है पर्शियन, फारसी हॉल है। देखिए लंबाई लेंथ 163 फीट है, चौड़ाई 54 है, 60 फीट हाइट है। देखिए पूरा हॉल विदाउट एनी पिलर, कोई लोहा नहीं है, कोई गार्टर नहीं है, इसीलिए एशिया का बिगेस्ट हॉल कहलाता है। हॉल की खासियत ये, आप ऊपर जितना डिजाइन देख रहे हैं इसको पर्शियन कहते हैं, दीवार के अंदर बनाया गया डिजाइन। देखिए इसकी हॉल लाइन को ज्वाइंट किया है एक दूसरे से, सिस्टम है इंटरकनेक्टिंग, इससे हॉल करता है इको। नीचे बना है इमामबाड़ा, तो अगर इमामबाड़े में प्रीस्ट होते हैं मौलवी, वो यहाँ बैठ कर धर्म का प्रचार करें, आवाज़ सुनाई दे पूरे हॉल में। हाल का आप लोग शेप देखिए, आकार दिया है ट्रे का, जैसे चाय की ट्रे होती है, इसका आकार दिया है टी ट्रे का। इराक तलक के ना जा सके वो दर्शन कर सकते हैं, इसलिए उसकी नकल एक रिप्लिका है। असल मोनूमेंट इराक में है। देखिए पहली कॉपी है दरगाह इमाम हुसैन की, सेकंड ग्रेड कॉपी है दरगाह हजरत इमाम हसन, बनाया है चंदन की लकड़ी पे। असल मोनूमेंट सऊदी शहर मदीना जन्नतुल बकी और ये करबला इराक। आप लोग विजिट कर रहे हैं बड़ा इमाम बड़ा बड़े हुए हसन, ये बनाया है मेमोरी में इमाम हसन की। देखिए सामने वाले जितने रखे हैं शीशे, इनका यूज़ है लाइट को बढ़ाने को, लाइट होती नहीं थी। देखिए पीछे वाले दिए हैं कैंडल स्टैंड, पहले यहाँ रहते थे मोमबत्ती, यहाँ की रोशनी होती थी, ये सामने वाले पड़ती थी इस शीशों से, यहाँ से होता था रिफ्लेक्शन, लाइट होती थी रिफ्लेक्ट।
बाबू बिल्डिंग नवाब आसिफुद्दौला साहब जो बिल्डिंग के मालिक हैं वो यहाँ दफन है। सेकेंड साइड दफन है उनकी वाइफ का नाम था शमशुल निसा। खबरें यहाँ से 15 फुट नीचे बनी है बेसमेंट के अंदर, ऊपर से पत्थर ब्लॉक किया गया है बाद में। यहाँ पे दो बनी है समाधियाँ, नवाब आसिफुद्दौला और उनकी वाइफ शमशुल निसा। सामने का देखिए पीछे का रखा है बॉक्स। देखिए इस बॉक्स के अंदर देखिए नवाब के सर का डुप्लीकेट क्राउन है, ये असल क्राउन नहीं है। इसका असल क्राउन रखा है म्यूजियम विक्टोरिया इंग्लैंड, उसके बाद अंग्रेज ले गए थे। यहाँ पर कॉपी रखी हुई है नवाब की याद में ताकि पहचान रहे कि समाधि जो है वो किंग की है। देखिए ताजिया, देखिए मुहर्रम फेस्टिवल, देखिए ओपनिंग स्थापना की जाती है हर साल पहली मुहर्रम के दिन से। ताजिया बनाते हैं हर साल पुराना नया, देखिए बनाया गया है पेपर पे, हर साल होता है चेंज, जो होता है पुराना उसको लोग ज़मीन के अंदर दफनाते हैं। उर्दू में लोग कहते हैं ताजिया देना, अर्थ होता है श्रद्धांजलि अर्पित करना। ये पहला ताजिया का मेट दिया है पेपर पे, सेकंड ताजिया है प्लाई बोर्ड पे। मैडम उसको यहाँ पर एक विजिटर ने चढ़ाया, यहाँ पर गुजराती फैमिली घूमने आई थी, उन्होंने अपने की यहाँ विश मांगी थी, औलाद बेटा हो गया तो उसको चढ़ाया है। तो फ़र्क ये कि बाकी ये सब रखा रहता है, हर साल चेंज करते हैं ये पेपर वाला। इंडियन देखिए इसमें डिज़ाइन बना है इंडियन, आप लोग देखते हैं इंडिया में आता है फ्रूट, देखिए इंडिया के अंदर खरबूजा आता है, जैसे आता है मस्त मेलन। ऊपर देखेंगे गुम्बद की डिज़ाइन दिया है खरबूजे नुमा, देखिए हाइट है 60 फीट, गुम्बद बनाया है पूरा गुलाई में, छत पूरी ऊपर से फ्लैट, नीचे इमामबाड़ा है, इमामबाड़ा पूजा स्थान है। तो अगर इमामबाड़े में उस टाइम हुआ था प्रोग्राम में दो तरफ बैठते थे लेडीज, बीच में बैठते थे पर्दे, बीच में बैठते थे जेंट्स, किफायत सुल्तान खान बनाने वाले हुए हैं। देखिए ताजमहल बनाया है शाह मूसा ने, ये हुए इनके ग्रैंड सन, रहने वाले ईरान के हुए, निशापुर शहर के। जनाब इसका नाम इंडिया ने, ये कहलाता है खरबूजा हट। आइए बाहर आइए, ऐसे ही 45 हैं, 45 सीढ़ियाँ पूरी चलिए। बिल्डिंग के जो दीवारें हैं देखिए, देखिए हॉलों में, देखिए इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है बिल्डिंग के अंदर, इसमें उड़द की छोटी वाली ब्रिक है लखौरी ब्रिक, साथ देखिए दाल का यूज किया है उड़द की, उसमें लेस होता है। दाल के साथ देखिए शहद है, गन्ने का रस है, उसके अलावा चिकनी मिट्टी है, राविश है, कोला है, लाल सुर्खी पत्थर है और लगाया है राखी चूना और ऊपर दिया है शंख। जैसे आप यहाँ खड़े हुए हैं देखिए इसका गैलरी का डिस्टेंस 200 फीट का लास्ट तक के होगा। हम आपको लास्ट में जाएंगे दीवार से, ऐसे बोलते हैं हम लोग, आपको ऐसी आवाज पूरी गैलरी में सुनाई देगी, आवाज राउंड करती है। लोगों ने कहा कि धीरे बोलिए, दीवारों में कान होते हैं, ठीक है। यहाँ खड़े होइए, मेरी आवाज सुनिए। आपका नाम क्या है? सुनील। आपका नाम क्या है? सुनील। मम्मी सुनील, चुवा कौन बोलिए? चलो चलो ना, कौन बोलिए कोई? हाँ बिल्कुल भैया, डन यहाँ से बोल रहा है। उस टाइम कोई फोन तो नहीं था, सामने वाला बिल्डिंग की एंट्री लगा कोई आने वाला व्यक्ति अलग का इंसान है, तो यहाँ के लोगों ने बात करी आपस में साथ से, लोगों ने कहा धीरे बोलिए, दीवारों में कान होते हैं क्योंकि आवाज जो है हवा से राउंड करती है, समझ लिया? तो जमाने का है वॉकी टॉकी का, ये चमत्कार नहीं है। अब हमें जाना कहाँ है? अब हम घूम चुके हैं, अब हमें नहीं पता कहाँ जाना है। ये है भूल भुलैया, ये है भूल भुलैया। अब आप घूम हो चुके हो, आप घूम कर कहाँ जाना तुम्हें? देखिए आज बनाया है, इससे छत के रोड को चार तरफ डिवाइड किया, देखिए जो वजन इसका है, देखिए इस पर टिक गया, इस पर आ गया, इस पर आ गया, इस पर आ गया, चार तरफ रोड को बांट दिया, 0.9 से छत रोका गया है। देखिए पीछे वाले दीवारों के अंदर गैप बने हैं, देखिए इनका काम, देखिए दीवार का वेट कम, देखिए अंदर से वेट को लॉस किया है, सिक्योरिटी दी है, अगर यहाँ खड़ा कोई इंसान पहरा दे, अगर सोल्जर नीचे को देखेगा आप थक जाएंगे, इसमें बैठ सकते हैं आप, और थक गए पीछे लेट सकते हैं टेक लगा के, तो ऐसे गैप बने हुए हैं सामने वाले पूरी गैलरी ज्वाइंट आर्च है, यहाँ से गुम्बद के वेट को डिवाइड किया है और इसकी छत पूरी ऊपर से फ्लैट पर गुम्बद नहीं है। यहाँ से देखिए डोम खत्म हो गया है, देखिए ब्रिक को कहते हैं लखौरी, हर ब्रिक एक पर देखिए एक टिकी है, देखिए डार्ट कहते हैं इंटरलॉकिंग, इससे जोड़ा गया है, इसके अलावा सपोर्ट नहीं है। देखिए स्टोरी बिल्डिंग की ये है कि उस जमाने में लखनऊ में अकाल पड़ गया, यहाँ बारिश नहीं हुई, ऑनर थे नवाब आसिफुद्दौला, इन्होंने बिल्डिंग को बनवाने का असल मकसद था सिर्फ लोगों को काम देना, मतलब एक चैरिटी। हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि आसिफुद्दौला साहब बिल्डिंग को दिन में बनवाते थे, जो बनता था जो उसको रात होते ही तोड़वा दिया करते थे।
थे, जो गरीब थे वो काम दिन में करते थे, उस जमाने के जो अमीर थे वो अकार में गरीब हो गए। उन्होंने कहा आप हमें काम दीजिए, इन्होंने कहा अगर आप काम करेंगे आपकी काम करने में बेइज्जती होगी, इसलिए आप काम करने के लिए रात में आइए। रात में आए, इनसे कहा आपको मजदूरी आती नहीं है, बिल्डिंग को आप बना नहीं सकते, इसलिए तोड़िए जो बन रहा है। हम आपको तोड़ने का पैसा देंगे लेकिन पैसा हराम में नहीं देंगे, मतलब ये कि लोग मेहनत करें चाहे बनाए और या तोड़े। तो जनता ने कहा ये इंसान नहीं है, भगवान है। फिर लोगों ने कहा कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला, पर नवाब ने कहा कि बात गलत है। इन्होंने कहा कि हम मौला ईश्वर नहीं है, इन्होंने कहा कि हम इंसान हैं, हम बने हुए हैं जरिया, हमको जो देने वाला है वो भगवान खुदा है, इसलिए आपको दे रहे हैं। बात को रिपीट किया, कहा जिसको ना दे मौला उसको क्या देगा ये आसिफुद्दौला। बिल्डिंग की ओपनिंग करी 1771 से, कंप्लीट हो गई है 84-84, बनने में साल लगे हैं 14। 3 साल अकाल पड़ा है, 3 साल टूटी और बनी। अकाल जब खत्म हो गया है तो बिल्डिंग बनाई गई है 11 ईयर, 1773 से स्टार्ट है और 1784 में कम्प्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये भूल भुलैया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने देखा है कि लोग कहीं कहीं जगह जगह पर नाम लिख दे रहे हैं, वो सब प्लीज़ ना कीजिए। ये इंडियन मॉन्यूमेंट्स हैं और इनको संभाल करके रखिए अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, और किसी भी तरह का इनको नाम वगैरह लिख करके ख़राब ना करें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।